Hi, assalamu alaikum friends and welcome to Raja Ehrman Official. Today mera tutorial graphic designing se hi related hai, jisme main aapko bataunga ki photoshop mein ATN file ka maqsad kya hota hai aur wo kya cheez hoti hai. ATN file jo si hai wo action file kaha jata hai, jisme automatic jo se hain effects jo se hain wo add hue hote hain. Agar hum jo sa hai google pe likhe what is Adobe photo Shop ATN फाइल, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ATN फाइल जो सी वो एक एक्सटेंशन होती है Adobe Photoshop की, जिसको एक्शंस फाइल कहा जाता है. इट्स बिल्ड टू रिकॉर्ड स्टेप्स स्लैश एक्शंस इन फोटोशॉप एंड इज मीन टू बी प्लेड अगेन एट अ लेटर टाइम टू ऑटोमेट दो सेम स्टेप्स. तो इसका मतलब यही हुआ कि वो जो सा है उन्होंने एक्शंस को जो सा है रिकॉर्ड किया होता है, और एक दफ़ा उन एक्शंस को रिकॉर्ड करके सेव कर देते हैं तो उसके बाद वो किसी भी चीज़ पे किसी भी फ़ोटो पे जो सा है ऑटोमेटिक ऐड किए जा सकते हैं. अब ATN फाइल जो सी है वो किस टाइप की होती है वो मैं शो करवाता हूँ आपको. मेरे पास एक डाउनलोडेड फाइल है, ये एक है अर्बन शिफ्ट एक्शन टाइप का है, अर्बन शिफ्ट एक्शन. ये कुछ जो से हैं मैंने चीज़ें जो सी हैं डाउनलोड की हैं बहुत मुश्किलों से. ये तकरीबन 2.5 GB का डाटा है, इसको मैं बाद में अपलोड करूँगा और साथ में जो सा है आपको कुछ चीज़ों के बताता रहूँगा. यहाँ पे एक फ़ाइल जो सी है इसमें शो हो रही है अर्बन शिफ्ट अल्टर. अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो यहाँ पर ये फ़ाइल टाइप जो सी ATN फाइल शो कर रहा है. अब हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं और इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, हमने जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और ये फ़ोटोशॉप अगर आपका इंस्टॉल हुआ है तो ये उसमें ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी. या फिर अगर आपने जो सा है ऑलरेडी फ़ोटोशॉप जो सा ओपन किया हुआ है तो जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो सा इंस्टॉल हो जाएगा. अब मैं कोई पिक्चर डाउनलोड करता हूँ गूगल से और उस पर यही वाला इफेक्ट जो सा है. व्हाट द हेल यार, गूगल लोड नहीं हो रहा. आप ATN में काफ़ी ज़्यादा जो से हैं एक्शंस जो से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास तो अभी फ़िलहाल नहीं पड़े हुए पर मैं आपको तरीका बता दूंगा जिससे आप जो से इनको डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली पिक्चर जो सी है ये डाउनलोड कर लेता हूँ. राइट क्लिक, ओपन HD में है ये पिक्चर, मैं इसको सेव कर लेता हूँ. पिक्चर डाउनलोड हो गई है तो अब मैं जो सा उसको ओपन कर लेता हूँ. तो ये पिक्चर ओपन होगी. अब जो सा है आपने सबसे पहले काम क्या करना है, विंडो में जाना है और ओपन जो सा है विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक्शंस यहाँ पे है. इसकी शॉर्टकट की भी है Alt F9, या आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा. ये चेक हो के आपके ये पास यहाँ पे भी आ सकता है. अगर यहाँ पे आता है तो आपने जो सा इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देना है तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा. नहीं तो फिर अक्सर जो सा है ये यहाँ पे शो होता है या फिर यहाँ पे शो होगा, तो इसका कोई मसला नहीं है. तो लास्ट टाइम हमने जो सा है इसमें एक्शन इंस्टॉल किया वो है अर्बन शिफ्ट अल्टर, ठीक है. तो ये काफ़ी दफ़ा जो सा इंस्टॉल हो गया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ. तो ये इंस्टॉल हो गया, तो ये फ़ोल्डर में है. आप देख सकते हैं कि बाकी सब जो से हैं वो डिफ़ॉल्ट एक्शन जो से हैं उनका अलग फ़ोल्डर है. उसको मैं मिनिमाइज़ भी कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, और अगर अर्बन शिफ्ट वाला जो सा फ़ोल्डर है उस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास शो हो जाता है. तो ये इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर मैं अब क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर नीचे प्ले का बटन है, इसके ऊपर जो सा है क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो सा है प्ले होने शुरू हो जाएगा. प्ले होके उसने जो सा पिक्चर को ये कर दिया है, चेंज कर दिया. देखते हैं कि इसमें है और कौन सा है,
पहले जो सी पिक्चर थी उसमें क्या फ़र्क है। कोई इतना ख़ास फ़र्क जो सा है वो शो नहीं हुआ। बहरहाल जो सा है क्योंकि ऑलरेडी ये पिक्चर इस तरह की थी तो उस पर इफेक्ट लगा है। मैं एक और पिक्चर भी ओपन कर लेता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट होते हैं, ये तो सिंपल जो सा जस्ट एक इफेक्ट है जो मेरे पास पड़ा हुआ था। इसको मैं जो सा इसके ऊपर भी यही ऐड करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये इफेक्ट आ गया है, पिक्चर में चेंजिंग आई है। और इसी तरह जो सा दो इफेक्ट हैं इसके अंदर। दोबारा से पिक्चर को क्लोज़ करता हूँ और ये है अर्बन शिफ्ट अल्टर, इसको भी देख लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट नहीं है, ये मैनुअल स्क्रिप्ट है और इसमें ये शो करता जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्क्रिप्ट होती हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं और कुछ उसके साथ मैनुअल दी होती है ताकि यूज़र को जो अप्लाई करे उसको पता चल जाए कि इसने क्या क्या इफेक्ट जो से यूज़ किए हैं। इसमें लेवल इफेक्ट यूज़ हुआ है, न्यू लेयर क्रिएट हुई, फिर ये ग्रेडियंट जो सा लगा, ग्रेडियंट फिल, ओके 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 करते जाएँ, ऑटोमेटिक जो सा आपके पास पॉपअप जो से वो शो होते जाएंगे। आप जहाँ पर रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। ओके ओके तो ये भी वही चीज़ है, वही इफ़ेक्ट जो सा है इसके ऊपर भी शो हुआ है। अब बात यह है कि हम जो सा ये इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर एक वेबसाइट है शायद यहाँ से मिल जाए आपको, डेबियन आर्ट जो सी है वेबसाइट का नेम है, मे बी यहाँ से फ्री मिल जाए। नहीं मिलेंगे फिर मैं आपको जो सा एक और मेथड जो सा बताऊँगा जहाँ से आप बल्क में जो सा पूरे पूरे पैक जो से वो डाउनलोड कर सकते हैं। फोटोशॉप ATN, तो ये यहाँ पे आई थिंक सो के आ चुके हैं इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं। पर इसमें कौन सा है, कुछ प्रीमियम भी होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, आप उसी टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सा इसने डाउनलोडिंग में जो सा है उसकी पिक्चर दी हुई है कि आप पिक्चर सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इफेक्ट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि क्या शो होता है मेरे पास। तो ये देख सकते हैं ये इस तरह के इफेक्ट हैं। ये पिक्चर जो सी इसमें कन्वर्ट कर दी, इसमें इसमें होगी, ये इसमें कन्वर्ट होगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो से आप इसकी भी सर्विस फाइवर पे दे सकते हैं, पिक्चर एडिटिंग की भी। और ये $5 का जो सा ये इफेक्ट दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जो सा बल्क में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अक्सर फ्री भी मिल जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन सब के सब जो से हैं वो प्रीमियम ही हैं। तो अब जो सा मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्री में किस तरह से जो सा पैक डाउनलोड कर सकते हैं इसके। आप लोगों ने अगर टोरेंट का नाम सुना हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं भी आप लोगों को पता तो मैं आपको बता देता हूँ। टोरेंट वो चीज़ है, एक डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हम बल्क में चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइट चली जाती तो वो उसी दौरान भी वहाँ पे स्टे रहते हैं और जब लाइट आती है तो उसके बाद वो वहाँ से कंटिन्यू हो जाते हैं। टोरेंट के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अब ये नहीं कि मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि आपने टोरेंट किस तरह से इंस्टॉल करना है और क्या क्या तरीके हैं, तो इतना जो सा मेरे पास टाइम भी नहीं है और इतना ज़्यादा मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता क्योंकि इससे कुछ लोग जो से बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ट्यूटोरियल लंबा हो गया, जो काम की चीज़ है वो समझाएं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को टोरेंट का पता है। टोरेंट के सॉफ्टवेयर हैं, एक यू टोरेंट है आई थिंक सो, ठीक है, यू टोरेंट, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिट टोरेंट है और मैं जो सा है वो यूज़ करता हूँ वो है वुजी टोरेंट। वुजी टोरेंट है, VUZE। इसके दो वर्जन्स हैं, एक वुजी लीप है और एक सिंपल वुजी है। मेरे पास जो सा है वो ये वाला है VUZE। तो ये वाला टोरेंट है मेरे पास, वुजी बिट टोरेंट क्लाइंट। थोड़ा सा हैवी है पर जो सा है ये ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ जो सा है इसमें सारे फंक्शंस हैं। तो अब जो सा है आप ATN फाइल किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं।
काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं टोरेंट की, पर जो मैं यूज़ करता हूँ एक्स्ट्रा टोर, नहीं नहीं सॉरी, अब मुझे नाम नहीं, हाँ टोरेंट्स 2.eu, TORRENTZ, आगे टू है फिर डॉट और फिर ई, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च बार है, आप यहाँ पे एड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो परेशान नहीं होना, कुछ पाने के लिए कुछ जो सा खोना पड़ता है, तो वो लिहाजा एड जो से वो आपको तंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है फोटोशॉप, ATN, या ATN सिर्फ टाइप कर दें, शायद कुछ मिल जाए। फोटोशॉप एक्शन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोंसे हैं, टोरेंट्स यहाँ पे शो हो चुके हैं, और यहाँ पे सीडर शो हो रहे हैं। सीडर जोंसे हैं वो उसकी स्पीड पे होते हैं कि जिसके ज़्यादा सीडर्स होंगे उसकी स्पीड भी, डाउनलोडिंग स्पीड भी उतनी तेज़ आ रही होगी। ये फर्स्ट वाला है एडोब फोटोशॉप एक्शंस फॉर फोटोग्राफर्स, इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके लिंक हैं, मैं piratebay.se पे देखता हूँ। यहाँ पे इसने, नहीं यार ये भी ठीक नहीं है, टोरेंट डाउनलोड्स डॉट मी, शायद इसके लिए हमें प्रॉक्सी की भी ज़रूरत पड़े क्योंकि टोरेंट्स जो से हैं वो बैन हैं, तो डेट्स वाई जो सा मसला हो सकता है। अब ये यहाँ पे शो तो हो गया है पर इसकी डिटेल्स नहीं आ रही, मैं यहाँ पे देखता हूँ आपके सामने ही जो भी अच्छा सा होगा जिसमें सारे हों। टॉप CM फोटोशॉप एक्शंस किट, फोटोशॉप एक्शन, इलेक्ट्रिसिटी फोटोशॉप एक्शन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहे हैं फ्री फोटोशॉप एक्शन। ये सब जो से आप बारी बारी डाउनलोड कर लें, इनमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्शंस आ जाएंगे। डिज़ाइन एक्शंस Vol.1, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, ये इसने नाम दिए हुए, तो आपने जो सा यहाँ से टोरेंट डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड टोरेंट का जो सा बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे टोरेंट डाउनलोड हो जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये यहाँ पे इसके अंदर ओपन हो जाएगा, एडोब फोटोशॉप एक्शंस फॉर फोटोग्राफर 7-zip फाइल में है, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें और बाद में उसी तरह से जो सा इसको यूज़ कर लें जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक्शन जो सा यूज़ किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सा ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।